नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार, साथ ही बताएंगे कल शेयरों में क्या हुआ आपकी स्ट्रेटजी। बाजार पर स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बहुत स्वागत है सर आपका शो में। साथ ही आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान शामिल है शो में, उनका तारुफ करा दे प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका बाजार आज और कल में। जी, लगातार छठे सत्र में बाजार में शानदार तेजी, वीकली एक्सपायरी बहुत अच्छी रही है, ये तेजी आप आगे बरकरार होती हुई देख रहे हैं, और इसी के दम पर हफ्ते भर की खरीदारी क्या की जा सकती है, कोई पसंदीदा शेयर आपका पोजिशनल व्यू में? बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये तेजी कंटिन्यू होगी, और इसका एकमात्र कारण है कि यूएस में जो फिस्कल स्टिमुलस की का जो न्यूज फ्लो है वो हमको लग रहा है कि जल्द ही आने की संभावना है। प्लस हमको लग रहा है कि जो ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट में जो ग्रीन शूट देखने को मिले स्पेशली टीसीएस के नंबर्स के बाद, ऐसा अनुमान लग रहा है कि पूरा BFSI स्पेस में एक अच्छी चलेगी। और ओवरऑल मेरे ख्याल से जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स है यहाँ पे भी हमने देखा है कि Q1 के हिसाब से Q2 में अच्छी इंप्रूवमेंट फाइनेंशियल्स में देखने को मिलेगी। तो IT हमको अभी भी अच्छा सेक्टर लग रहा है, और यहाँ पे स्वाति हमको टेक महिंद्रा पसंद है। टेक महिंद्रा करंट प्राइस पे 8 से 10 दिन के लिए खरीदा जा सकता है, और यहाँ पे हमको लग रहा है कि 901-902 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड पॉसिबल है और अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा 8 से 10 दिन का ट्रेड होगा जहाँ पे निवेशकों को अच्छा अपसाइड मिलने की अभी भी पॉसिबिलिटी रही। जी, पोजिशनल व्यू मतलब एक हफ्ते की खरीदारी टेक महिंद्रा में करने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर। तो ऐसे में अविनाश जी, विप्रो में अब बायबैक की खबरें हैं, 13 अक्टूबर को इस पर विचार किया जाएगा, क्या किया जा सकता है विप्रो में? मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली बायबैक की प्राइस काफी इम्पॉर्टेंट रहेगी, और जैसे हमने कहा है कि नॉर्मली 15 से 16% का प्रीमियम मार्केट प्राइस को लेके बायबैक प्राइस का ट्रैक रिकॉर्ड विप्रो का है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि करीबन 380-390 का बायबैक प्राइस अगर आता है तो वो मार्केट्स को डेफिनेटली पसंद आएगा। इनके पास काफी कैश है, पहले भी 3 बायबैक कर चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि बायबैक का साइज और जो प्राइस होगी वो नियर टर्म में स्टॉक को रिरेट करेगा। और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि 7% के बढ़ने के बावजूद यहाँ पे खरीदारी का माहौल रहेगा, क्योंकि मार्केट्स का अनुमान है TCS को देखने के बाद कि बायबैक की प्राइस विप्रो से भी शायद अच्छी तरह से अट्रैक्टिव होगी। जिनका है बनाए रखे, और कोई भी करेक्शन अगर आता है तो मेरे ख्याल से नियर टर्म और लॉन्गर टर्म के लिए इसमें खरीदने की भी अपॉर्चुनिटी लग रही। जी ठीक है अविनाश जी, अब अविनाश जी हम आपसे जानना चाहेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी किस स्टॉक में रखी जाए? स्वाति, हमको लग रहा है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में अभी भी इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, और यहाँ पे हमको गुजरात गैस पसंद है। कंपनी क्लियरली गैस के प्राइस काटने के बाद काफी कॉन्फिडेंट है कि ये पास करेगी, और जिससे वॉल्यूम ग्रोथ और भी अच्छी तरह से बढ़ेगा। इन्होंने ये भी कहा है कि सेकेंड क्वार्टर में नंबर्स पहले तिमाही से काफी अच्छे आने की उम्मीद है। प्लस हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ इनको सेकंड हाफ में मिलेगा वो काफी अच्छा रहेगा। तो करंट लेवल्स पे हमको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 6 से 12 महीने के लिए इसको खरीदना चाहिए। करीबन 390-400 का हमारा टारगेट प्राइस है, और इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए। हमको लग रहा है कि इस लेवल से डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। तो ये डेफिनेटली 6 to 12 months का नजरिया लेके गुजरात गैस को खरीद। गुजरात गैस में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रखने की सलाह दे रहे हैं अविनाश जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए, और शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का हम तक स्पेशल रिसर्च और खबरें पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आज के शो में बस इतना ही।